Welcome to SJ Inception, your aquarium channel. Right now, I am at the Bombay Exhibition Center, NESCO. And यहाँ पे हो रहा है Aquajic का aquarium exhibition. यहाँ पे बहुत सारे sponsors हैं, अपने aquarium products display किए हैं, बहुत सारे stalls हैं, fish tank exhibition है यहाँ पे. So बहुत मजा आएगा आपको देखने के लिए. So let's begin this video. And मैं आपको जितने भी फिश टैंक डिस्प्ले किए हुए वो सब दिखाऊंगा, जितने भी एक्वेरियम फिश वैरायटीज है यहाँ पे वो सब आपको दिखाऊंगा. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो अंदर आने के बाद ये था एक्वेरियम सेक्शन का एक्वेरियम फिश डिस्प्ले. बहुत अच्छा क्राउड था, कई सारे विजिटर्स आए, इसलिए मैं ऑन लोकेशन शूट नहीं कर पाया. तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था एमार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड के ओनर ने, ऑल्सो मुझे इन्वाइट किया था कुछ एक्वेरियम ब्रांड्स के डीलर्स ने और मैनेजर्स ने जिन्होंने यहाँ पर उनका स्टॉल लगाया था. तो वो चाहते थे कि हमारे चैनल के साथ कोलैबोरेट करके अपने एक्वेरियम प्रोडक्ट्स को हमारे चैनल पर डिस्प्ले करें. सो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप में से कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप ये फिश शॉप कवर कीजिए, आप उस सेलर का फिश स्टॉक कवर करो. सो मैं बिना इनविटेशन के किसी भी फिश शॉप में नहीं जाता हूँ या किसी भी फिश सेलर का स्टॉक कवर नहीं करता हूँ. इनविटेशन आने के बाद ही मैं उनका स्टॉक या उनकी शॉप कवर करता हूँ. और पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे चैनल ने ये पॉलिसी लेकर आए और मैं ये पॉलिसी गए 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ. ऑल्सो यहाँ पर आने के बाद मुझे कवर करने जैसा फील नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपसे फ्रैंकली बात करूँ. क्योंकि पास्ट में पिछले गए सालों में जितने भी एक्वेरियम फिश एग्जिबिशंस मैंने कवर किए वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्वेरियम फिश स्टॉक डिस्प्ले किया था. एंड वो एमार्ट ने ही किया था, आइदर एमार्ट ने वो खुद ऑर्गेनाइज़ किया था या स्पॉन्सर किया था, बट काफ़ी अच्छा खासा एक्वेरियम फिश स्टॉक डिस्प्ले देखने को मिला था वहाँ पर. सो आपको बताना ये और भी चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे एक्वेरियम चैनल पर सबसे ज़्यादा एग्जिबिशंस देखने को मिलेंगे. आपको कई सारे कॉम्पिटिशन्स या एग्जिबिशंस देखने को मिलेंगे एक्वेरियम फिश के रिलेटेड जो पास्ट में हुए हैं. तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ पे आप वो सारे एग्जिबिशंस या कॉम्पिटिशन्स चेकआउट कर सकते हैं. सो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो गए साल वर्ल्ड ऑफ फिश में ही एमार्ट ने बहुत अच्छा खासा एक्वेरियम फिश वराइटीज़ डिस्प्ले किया था, जैसे कि अफ्रीकन अरवानास थे, बड़ा साइज़ का आबा आबा फिश था, सेनेगल्स थे और गोल्डन स्टर्जन थे वहाँ पे. तो मेरे ख्याल से गोल्डन स्टर्जन तो आज तक किसी ने नहीं डिस्प्ले किया रहेगा एग्जिबिशन में. सो मुझे लगा कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं आया कवर करने जैसा, बट ऑल्सो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे एग्जिबिशंस को करना बहुत मेहनत लगता है, आसान काम बिल्कुल नहीं है. बिकॉज आप देख रहे हो लगभग 30-40 टैंक्स है, उन टैंक्स को बनाना, यहाँ पर असेंबल करना, उसके बाद में फिशेस को ऐड करना, उनको सेटल करवाना एंड ये सब कुछ मेंटेन करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. एंड मुझे लगता है कि ऐसे एग्जिबिशंस और होने चाहिए, बिकॉज जब ऐसे एग्जिबिशंस होंगे एंड जब काफ़ी सारे सेलर्स और हॉबीस्ट एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ पर आकर कम्युनिकेट करेंगे, मुझे लगता है तभी हमारी हॉबी जो है वो बढ़ पाएगी. और जब हम आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, हमको जब पता चलेगा कि हमारे हॉबी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी मेरे ख्याल से हमारी हॉबी भी बाकी सारे हॉबीज़ से मैच कर पाएगी, लेवलअप कर पाएगी. सो जो मुझे लगा मैंने ऑनेस्टली आपको बताया एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर थाट्स. यहाँ पर आपको जो लगता है आप बता सकते हो कि अगर आपने देखा रहेगा पास्ट के एग्जिबिशंस और इस एग्जिबिशन में आपको क्या वाकई में फिश स्टॉक अच्छा लगा, एवरेज था या बहुत अच्छा था, आप ऑनेस्टली मुझे आपका जो भी थॉट्स है वो शेयर कर सकते हो. एंड मरीन फिश भी यहाँ पर डिस्प्ले की थी, जैसे कि आप देख रहे हो ये डॉरी फिश है, ब्लू टैंक इसको बोलते हैं. सो मरीन फिश को भी एग्जिबिशन में टैंक में ऐड करना, सेटल करवाना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. सो मुझे जो लगा मैंने साफ आपको वो बताया. बट ऑल्सो अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द पीपल, द टीम हु हैज़ मेड दिस एंड इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया. वैसे तो ये एक एक्वेरियम एग्जिबिशन एक ट्रू सेंस में नहीं था, बिकॉज कोई तो नया फिश फूड ब्रांड आया था, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था. ऑल्सो ये कुछ इंटरनेशनल पेट ट्रेड फेयर की तरफ से हुआ था. तो यहाँ पर एक सेक्शन में बर्ड्स के, डॉग्स के, कैट्स के प्रोडक्ट्स थे, उनके डीलर्स थे, बहुत अलग अलग स्टॉल्स थे. और उसके बाद में एक सेक्शन में एक्वेरियम के ब्रांड्स थे,
कई सारे स्टॉल्स थे जो एक्वेरियम प्रोडक्ट्स में और एक्वेरियम के आइटम्स में डील करते थे। बट अभी तक मुझे लग रहा है कि हमारा जो एक्वेरियम हॉबी है वो अभी तक इतना मैच नहीं कर पा रहा है पेट्स से या कैट से या डॉग से, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। बट आई एम श्योर कि बहुत जल्द होगा जब तक ऐसे एग्जीबिशंस ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। एंड आप अभी देख सकते हो कि मैंने ये कैप्चर किया था, ये क्रेफिश की थोड़ी सी फाइट चल रही है। सो ये मैं देख के थोड़ा सा दंग रह गया था कि इतनी बड़ी टैंक दी है फिर भी ये झगड़ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से डोमिनेंस की ये जंग हुई होगी इनके बीच में। सो इतनी बड़ी टैंक थी फिर भी वो लोग लड़ रहे थे। ऑल राइट, सो यहाँ पर आप जियोफेगस देख सकते हो। एंड ऑल्सो और एक चीज़ ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एक्वेरियम फिशेस यहाँ पे इन्होंने ऐड किए थे, नन ऑफ देम वर अंडर स्ट्रेस एंड कोई भी पड़ी हुई नहीं थी या कोने में नहीं बैठी थी। तो ये एक अच्छी साइन है कि इन्होंने टाइम लेकर ये किया होगा, बिकॉज अगर आपको भी पता है अगर आप घाई में अगर आप जल्दबाजी में फिशेस को ला के टैंक में छोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से सब काम किया एंड आई वुड अगेन लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स कि इतने सारे टैंक्स में इतने सारे नंबर्स में इन्होंने फिशेस इंट्रोड्यूस किए। बट अगेन ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे तरफ से कि अगर पास्ट में पास्ट के एक्वेरियम इवेंट्स में अगर हमने बहुत अच्छी खासी फिशेस देखी है तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले साल में 2023 में 2023 में मैं इससे भी हटके इससे भी बढ़कर फिशेस एक्सपेक्ट करूँगा। सो वही मेरी थॉट थी जब मैं 2019 में या 20 के शुरू में जब मैंने इवेंट्स कवर किए थे इसे, तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली 2021 में 22 में और भी बढ़िया और भी बेहतरीन फिशेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज उसी दौरान इतने बढ़िया बढ़िया अनकॉमन ह्यूज साइज़ के फिशेस देखने को मिले थे। सो लेट्स होप कि फ्यूचर में ऐसे और भी एग्जीबिशंस हो और भी ऐसे इवेंट्स हो। एंड ये जो इवेंट था इसमें सेलर्स, उसके बाद में होलसेलर्स, इम्पोर्टर्स, अलग अलग एक्वेरियम ब्रांड्स के जो कंपनी के ओनर्स है वो आए थे एंड हॉबीज गॉट टू इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली। सो काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था। एंड आई नो आप में से कई सारे लोग इस इवेंट में आए होंगे, तो अगर आप आए थे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये इवेंट कैसा लगा। एंड ऑल्सो मुझे यह भी पता है कि जो लोग इस इवेंट में नहीं आ पाए वो अब कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि आपने इस इवेंट के बारे में हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, अपडेट क्यों नहीं किया। तो वो इसलिए बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं था कि आ पाऊँगा या नहीं, बिकॉज एक दिन पहले ही मैं मुंबई में रिटर्न आया, आई वॉज़ आउट ऑफ स्टेट एंड आई वॉज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टायर्ड। बट मुझे आना पड़ा बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कुछ ब्रांच के साथ मेरी मीट थी। एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पर शूट करने के इंटेंशन से नहीं आया था, बट आपको कहना चाहूँगा सीरियसली इतना अच्छा क्राउड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस क्राउड को देखकर ही मुझे इच्छा हुई कि मैं फिशेस को कवर करूँ, बिकॉज कई सारे लोग इतने खुश हुए थे इन फिशेस को देख के, काफ़ी सारे बच्चे आए थे, कई लोगों ने ऐसा भी एक्सप्रेस किया कि ऐसे फिशेस उन्होंने नहीं देखे, इतने कलरफुल, इतने ब्यूटीफुल, इतने अलग अलग वैरायटीज़ के। और जो लोग आ नहीं पाए, जो लोग ये इवेंट देख नहीं पाए, तो मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी ऐसा कोई इवेंट या एग्जीबिशन होगा तो मैं पक्का आपको दो हफ्ते पहले इन्फॉर्म करूँगा और एक हम छोटा सा मीट एंड ग्रीट भी प्लान करेंगे ताकि आप सभी लोगों से मैं मिल पाऊँ। और जिन लोगों ने भी ऐसा इवेंट कभी देखा नहीं है या कभी विजिट नहीं किए तो वो लोग भी देख सके कि कैसे होते हैं ये इवेंट्स और क्या फीलिंग आती है जब हम इतने सारे फिशेस को ऐसे आउटडोर्स में या एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, तो वो मज़ा थोड़ा सा अलग ही होता है। एंड ऑल्सो हम दूसरे हॉबीज से मिलते हैं, सेलर्स से मिलते हैं, अलग अलग ब्रांच के बारे में हमें पता चलता है, तो ये एक अलग ही तरह का मज़ा है और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि और भी ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं, बिकॉज द ओनर ऑफ ए मार्ट ऑलरेडी टोल्ड मी दैट दे आर प्लानिंग, दे आर कमिंग अप विथ मोर एंड मोर एग्जीबिशंस, मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन्स। सो लेट्स होप कि ऐसे इवेंट्स और होते जाए और ब्रांड्स आए एंड हमारी हॉबी इंडिया में
और डेवलप हो और अपडेट हो और प्रोग्रेस हो, बिकॉज़ ये जो आप इवेंट्स देख रहे हो ये 10 साल 5 साल पहले ही बहुत बड़े बड़े स्केल पर US में जापान में होते आए हैं, इसलिए जाके अब उनके कंट्री में हॉबी इतनी डेवलप हो पाई है, इतनी एक्सपांड हो पाई है। तो लेट्स होप कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में हमारी हॉबी ऐसी ऊंचाई छुए, ऐसे हाइट्स अचीव करे, सो दैट वी कैन मैच अप टू द हॉबी दैट इज़ डेवलप इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। सो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये इवेंट, ये एग्जिबिशन कैसा लगा, इसमें जो इन्होंने फिशेस ऐड करे हैं वो कैसे लगे। एंड अगेन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाले एग्जिबिशन्स में हमें और ज़्यादा नंबर्स में फ़िश वराइटीज़ देखने को मिले और नंबर ऑफ टैंक्स देखने को मिले एंड और ज़्यादा क्राउड देखने को मिले। ऑल्सो ये वीडियो जो मैंने बनाया थोड़ा अनयूजुअल वे का, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो मैंने बनाया, बिकॉज हर एग्जिबिशन में मैं आपको फिशेस के नाम बताता था, डिस्क्राइब करता था, बट आई थॉट कि इस बार थोड़ा कुछ एक्सप्रेस करूँ जो मेरे मन को लग रहा है वैसा बात करूँ। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपको पसंद नहीं भी आया होगा तो भी आप मुझे फीडबैक के तौर पर बता सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड प्रोवाइड यू अ बेटर कंटेंट इन द फ्यूचर। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो, तो ज़रूर देखिए एक्वेरियम एग्जिबिशंस की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है। अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एक्वेरियम एग्जिबिशंस, एक्वेरियम इवेंट्स, एक्वेरियम कॉम्पिटिशंस देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्वा नेचर का एक स्टॉल दिखाऊंगा, तो उनके पास कई सारे यूज़फुल बेनिफिशियल एक्वेरियम मेडिसिंस और एक्वेरियम प्रोडक्ट्स है जो आप आपके एक्वेरियम फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कॉमन फिश है, अगर आपके पास एक्जॉटिक फिश है, अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव फिश है, तो उनके प्रोडक्ट्स आप सभी के लिए काम में आएंगे। सो एक्वा जी का में यह है एक्वा नेचर का स्टॉल एंड यहाँ पर है एक्वा नेचर के ओनर मिस्टर अमित मांजरावाला। सो आई एम प्रमोटिंग एक्वा नेचर ब्रांड बिकॉज ऑनलाइन एक्वा नेचर को सबसे ज़्यादा रेटिंग्स और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिली है। सो हम इनके वैसे तो प्रोडक्ट्स चेकआउट करेंगे, बट जान लेते अमित सर से। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक्वा नेचर के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके, मतलब मैं जानना चाहूँगा आपका इंटेंशन और कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ऑनलाइन पे तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, प्रोडक्ट इज डूइंग वेरी गुड वेरी गुड। हाउएवर यू नो यहाँ से काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, चेन्नई से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, तो प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स हम लोग एक ही शेल्फ के अंदर सब प्रोडक्ट्स प्रमोट किया है, जिससे ऑल शॉपकीपर्स को और हॉबिस्ट को पता चलेगा ब्रांड क्या है और कितनी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। तो ये हम लोग का इंटेंशन है, तो वी आर गिविंग फ्री सैम्पल्स ऑल्सो टू ऑल द हॉबिस टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट टू यू सर। तो एक्वा नेचर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे और अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। इनको अमेजोन पे बहुत अच्छी रेटिंग्स है और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड।